आपने ये क्या तैयार किया है, क्या कैसे ऑपरेट करते हो इसको? इसको मैं अपने टैब से या फिर फोन से दोनों से जो है ऑपरेट कर सकता हूँ। बस क्या है इसका, क्यों बनाया था आपने ये? मेरे दादू गिर गए थे तो उनके जो था फ्रैक्चर हो गया था, रॉड डली थी उनके राइट जो थी लेग, फिर वो चल नहीं पाते थे, उनको हमेशा व्हीलचेयर पे जाना पड़ता था, उनको कोई चाहिए होता था कि वो व्हीलचेयर को उन लेकर जा सके, तो लेकिन कोई घर पे इतना फ्री होता नहीं था कि सबके पास कोई काम होता था। ये और लोगों को भी जब देखता था ना कि भाई जो लोग चल नहीं सकते, तो इसको अंदर से बड़े इमोशन आते थे, कहते कहते पापा यो गिर गए, उनको वो चल नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे रोबोटिक ऐसा होना चाहिए तो वो लोग बिना हेल्प के खुद ब खुद कुछ ना कुछ अपना जा सकें, उनके पास कोई ऐसी चीज़ें हों। कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं चलता, कभी नहीं ये कहता कि भी ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये हमेशा कहता है। एनवायरनमेंट के लिए भी ये सोचता रहता है कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत है, इतनी डस्ट है, इतना मतलब लोग, मुझे आज भी याद है कि ये बहुत छोटा था तो इसने एक बार रोड साइड के ऊपर ना, जैसे मैंने आदत थी गाड़ी में जैसे बैठे हैं कुछ खा रहे हैं, तो मैंने एक नैपकिन ही फेंका था, तो कहता रोड नॉट ए डस्टबिन। तो इसके बाद क्या तैयार मतलब क्या सोचा है कि मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ, कुछ है माइंड में अभी? अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसके इस प्रोजेक्ट के बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक जो है रोबोट बनाऊँ जो साफ सफाई करे। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे लुधियाना टाइम्स, मैं हाँ प्रवलीन कौर। एक छोटे जे बच्चे नाल तुहानूं मिलवाण जा रहे हैं जिसके वालों की रोबोट तैयार किया गया, और क्यों तैयार किया गया, कि इसका कारण है, गलबात करते हैं, पूछते हैं। इसका नाम दिव्यम जैन है। तो दिव्यम, क्या एज क्या आपकी? मेरी एज 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स। आपने ये क्या तैयार किया है, क्या कैसे ऑपरेट करते हो इसको? इसको मैं अपने टैब से या फिर फ़ोन से दोनों से जो है ऑपरेट कर सकता हूँ। ओके, क्या पर्पस क्या है इसका, क्यों बनाया था आपने ये? मेरे दादू गिर गए थे तो उनके जो था फ्रैक्चर हो गया था, रॉड डली थी उनके राइट जो थी लेग, फिर वो चल नहीं पाते थे, उनको हमेशा व्हीलचेयर पे जाना पड़ता था, उनको कोई चाहिए होता था कि वो व्हीलचेयर को उन लेकर जा सके, तो लेकिन कोई घर पे इतना फ्री होता नहीं था कि सबके पास कोई काम होता था। लेकिन फिर मैंने ये दिमाग में रखते हुए फिर मैंने सोचा कि चलो दादू की व्हीलचेयर जो है उसको मैं एक ऑटोमेटिक व्हीलचेयर बना देता हूँ, फिर दादू जहाँ जाने दादू अपने आप जा सकते हैं, ऑपरेटर की ज़रूरत ना पड़े। ये और लोगों को भी जब देखता था ना कि भाई जो लोग चल नहीं सकते, तो इसको अंदर से बड़े इमोशन आते थे, कहते कहते पापा यो गिर गए, उनको वो चल नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे रोबोटिक ऐसा होना चाहिए तो वो लोग बिना हेल्प के खुद ब खुद कुछ ना कुछ अपना जा सकें, उनके पास कोई ऐसी चीज़ें हों। तो फिर इसके पास ना व्हील चेयर थी घर पे दादू की, तो वो इसने वो उस चीज़ को रोबोटिक वे से यहाँ पे आके डिस्कशन करी मैडम से, तो आइडिया दिया, आइडिया देने के बाद फिर इसने उसको आइडिया को जो है वो इम्प्लीमेंट। 10 साल की एज है, एक इतनी अच्छी सोच कि अपने दादू को देखा, उनसे उनकी हेल्प, पॉजिटिव रहता है शुरू से, इसका पॉजिटिव रहता है, कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं चलता, कभी नहीं ये कहता कि भी ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये हमेशा कहता है। एनवायरनमेंट के लिए भी ये सोचता रहता है कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत है, इतनी डस्ट है, इतना मतलब लोग, मुझे आज भी याद है कि ये बहुत छोटा था तो इसने एक बार रोड साइड के ऊपर ना, जैसे मैंने आदत थी गाड़ी में जैसे बैठे हैं कुछ खा रहे हैं, तो मैंने एक नैपकिन ही फेंका था, तो कहता रोड नॉट ए डस्टबिन, कि रोड डस्टबिन नहीं है। बच्चे भी जो है अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ सिखा, मतलब हाँ, इसने तब से मैंने कभी ऐसा नहीं किया, तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों को ना, ये कहता था इतनी लोग इतनी गंदगी डाल देते हैं, इस ना ऐसे रोबोटिक रोबोट्स होने चाहिए जो क्लीनिंग हो जाए, या ये जैसे इसके बाद मुझे लगता है शायद ये उसके ऊपर भी काम करेगा ब्रेन धीरे धीरे जैसे शॉप, बिल्कुल। घर में भी ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक से इसकी अटैचमेंट रहती है, कुछ ना कुछ देखता रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कुछ ना कुछ जैसे टीवी पे भी कोई प्रोग्राम आ रहा हो तो उसको भी देखता है इंटरेस्ट से, या अपने टॉयज़ को भी, जैसे इसकी मदर ने भी बताया था कि टॉयज़ को भी ना ये खोलता है बंद करता है, ये देखता है मैकेनिज्म बेसिकली समझने की कोशिश करता है। आता मैम कि मतलब कोई हर चीज़ आपको ऐसे खुली हुई मिलती है, टीवी के रिमोट, हमारा हमें बहुत इंटरेस्ट था, ऐसा लगता है कि इसका इंटरेस्ट है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको उस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए, बड़ी अच्छी रहती है हमारे लिए, तो ये इसकी सोच ही जो है आगे बढ़े, और ये अपना कुछ ना कुछ उस चीज़ उस लाइन में अगर बनना चाहता है तो उस लाइन में बने, या जैसा भी ये खुद करना चाहे इसकी इंडिपेंडेंटली। जी, आप पूरा सपोर्ट कर रहे हो इसको। तो इसके बाद क्या तैयार मतलब क्या सोचा है कि मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ?
कुछ है माइंड में अभी? अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसके इस प्रोजेक्ट के बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक जो है रोबोट बनाऊँ जो साफ सफाई करे रोड। अच्छा, इसको कैसे ऑपरेट करते हो करके दिखाओगे कैसे वर्क करता है ये? ESP है उसके, इसका जो ESP है जब मैं इसको ऑन करता हूँ ESP को तो जो सारे रिले है वो ऑन हो जाते हैं जी। तो इसका एक वाईफाई है व्हीलचेयर जो है, फिर उसको वाईफाई से कनेक्ट करके जो है फिर जो यहाँ पे स्टॉप का बटन है वो दबाना होता है जिससे सारे रिले जो है बंद हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद इसके दो मोटर ड्राइवर है जी। इन दोनों को सेम स्पीड पे करना होता है ताकि ये दोनों जो है सेम स्पीड पे अगर रहेंगे तो ये इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी, इसका बैलेंस अलाइनमेंट बनी रहे। हाँ, फिर यहाँ पर इसके 5 फंक्शन है, फॉरवर्ड, लेफ्ट, रिवर्स, राइट और स्टॉप। तो उसके साथ आप इसको करते हो? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। पहले दादू को देखा है ना, दादू के बाद अब उनकी हेल्प होती है, वो खुश है बिल्कुल। हाँ जी, वो इस पे ही जाते हैं अगर कहीं जाना होता है, उनको हेल्प की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अभी अभी देखा नहीं है उनको, उनको सरप्राइज है, उनको उनको पता है कि मैंने बनाई है लेकिन उन्होंने इसको चलते हुए देखा नहीं अभी। मैम की कहना चाहते हो, बच्चा इन्नी अच्छे मतलब कह लो भी सोच उन्हें रखी कि मैं अपने दादू की हेल्प करनी है, और इन्ना वधिया तरीके दे नाल उन्हें एक रोबोट तैयार किया जो कि मैंने लगता है कि इस तो बाद बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हो सकती है। रियली प्राउड, और बाकी इसकी मेहनत और प्लस विज रोबो में डिम्पल मैम ने, लॉटी सर ने जो इसका ड्रीम था उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इसका पूरा साथ दिया, डेडिकेशन के साथ इसको सिखाया कि हम कैसे कैसे क्या क्या जो ये आइडियाज़ देता था उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू या हम किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू वाईफाई के थ्रू, वो सब मैम ने सर ने इसको सिखाया करा और आज ये हमारे सामने। बहुत अच्छा लगा मैम ना भी गलबात कर दिया क्योंकि अक्सर जिहड़े बच्चे ने इन्होंने बदौलत ही बहुत वधिया वधिया चीज़ा तैयार करके लेके आते। मैम कैसा लग रहा एक व्हील चेयर रोबोट तैयार किया गया इसकी तरफ से, 10 ईयर्स की एज है, इतनी कम एज में बच्चे आपसे सीख सीख के बहुत कुछ बनाना शुरू कर गए? डेफिनेटली जी, विज रोबो के लिए ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये अब हमारा 16th रिकॉर्ड इन अ रो है जो कि इंडिया बुक्स ने अप्रूव किया है। एंड आई मस्ट यू नो से कि दिव्यम विज रोबो में यू नो इट्स लाइक छोटा पैकेट बड़ा धमाल, यू नो जैसे एज में ये छोटा लगता है लेकिन उसने एक आज इतना बड़ा यू नो प्रोजेक्ट बनाया है। एंड डेफिनेटली आई विश हिम यू नो मोर सक्सेस, और आने वाले टाइम में भी ये ऐसे ही डिफरेंट कुछ ना कुछ इनोवेशंस लेके आता रहेगा। थैंक यू सो मच मैम। ता ही तुसी देखिया कि रोबोट जिहड़ा है व्हील चेयर नूं रोबोटिक तरीके नाल तैयार किया गया क्योंकि उसके घर दे विच कुछ इहो जिहा इंसीडेंट होया सी जिस तों बाद उसनूं इंस्पीरेशन मिली और उसनूं लग्या कि मैं हेल्प करना चाहना अपने ग्रैंड पेरेंट दी। तां उस तों बाद भी अगर तुसी चाहुंदे हो तुसी भी देख रहे हो कि यह चीज़ जिहड़ी है तां इक कह लो भी आइडिया भी मिल जांदा, बहुत घट एज है 10 साल की एज दे विच बहुत सोहनी मोटिवेशन दे नाल इहने काम करना शुरू किया। तो ये तुम देख सकते हो भी यदा वर्किंग भी इसने दिखाई है किमें वर्क करता, पूरा वाईफाई के नाल अटैच करके फॉरवर्ड रिवर्स सारे तरीके मूव कर सकते हैं। बहुत वधिया मतलब माइंड सैटअप करके इन्हें बहुत वधिया तरीके तैयार किया। तो इदा की होर वधेरी वीडियोज़ लिए देखते रहो लुधियाना टाइम्स।